जिस तरह पिछले दिनों कुश्ती के मामले को लेकर जो है बहुत सारी बातें चर्चे में आ रही हैं, इसको लेकर आप उमर कलीम साहब के साथ बैठे हैं, जो सबसे पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके यहाँ पर कुश्ती खिलाने की नाराज़गी जताई थी, क्या कहना चाहेंगे आप एक सदर होने के नाते? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं नसीरुद्दीन बाबू, मिलाद कमेटी का सदर, करीब एक 25 साल 30 साल से ये स्पोर्ट्स खिलाड़ियों में, ये एक स्पोर्ट्स को ये नाम से, बरकत वाले नाम से मैं क्या वास्ते खिलाड़ी का, तो एक अच्छा संदेश पब्लिक में जान दे, एक अच्छा इम्प्रेशन नौजवान बच्चा में पढ़े दे घर को बोल लाल को, ये स्पोर्ट्स हमें खिलाड़ी से। अब वो लास्ट टाइम कलीम भी और बहुत सारे मोहल्ले के अहबाब, मेरे माँ बहन ने जो मिल को कलीम भाई से, कलीम भाई एक ज़िम्मेदार आदमी ही, और शुरू से भी हमें कलीम भाई को देख ले करी, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ उनकी कारगुजारी गुजरे। अब ये भी एक मसले को कलीम भाई के सामने ले ले का को मोहल्ले वाले, और मोहल्ले वाले भी बहुत मोहतबर आदमी आको कलीम भाई को, इससे ज़रा नाराज़गी भी दिखाए, ये यहाँ नहीं होना अगर को बोल लाल को, जो पहलवाना का लिबास है, कुश्ती से हमना नफरत नहीं है, इनके लिबास से हमना फ़र्क पड़ता है अगर को बोल को। कलीम भाई कहने ले लगा को एक छोटा मसला रखे, कलीम भी हर एक जिम्मेदारी का काम बड़ी खूबी से, बड़ी ज़िम्मेदारी से निभाती, ये भी एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ हमारा माँ बहना को बिठा को बात भी कराए, वो हमारे तक पहुँची बात, उसमें हमना भी बहुत सारे चीज़ें हमनाश मालूम नहीं थे चीज़ में, वो जब वो बात करे उसमें मालूम हुए। अब हमना क्या कहते, हमें कलीम भाई को पहले से हमें बात कर को थे, क्या कहते दो जगह हमें परमिशन पूछनी है स्पोर्ट्स खिलाने के वास्ते, निज़ामिया बॉडीगार्ड गवर्नमेंट हाई स्कूल, एक यहाँ का ग्राउंड राजू नगर का, उसमें दशहरे की पोलिस होने की वजह से हमने वहाँ परमिशन नहीं मिला, यहाँ परमिशन मिल गया। हमें एक बात कलीम भाई को बोलना था, हमारे से भी वो एक कोताही हुए, वो कलीम भाई को बोले नहीं, हमें डेट अनाउंस कर डाले माइक में, वो इश्तेहारा में सभी हमें डेट दे आले, यहाँ का एड्रेस भी यहाँ का दे आले, उसके वास्ते अब हमने यहाँ से करने का मौका मिला। हमें और एक हमें क्या है रिक्वेस्ट कर ले, ऐसा हमें यहाँ डेट भी दे आली, एड्रेस भी बोल डाली, यहाँ हमें इश्तेहारा भी छपा डाली कलीम भाई, इस बार आपे जो हमारे माँ बहना जो बोले इसे मद्देनज़र रखते हुए, इसे एहतियात करते हुए, वैसा हमें वह पूरा क्लोज कर को ही स्क्रीन डाल को क्लोज कर को ही, और अब यहाँ को आने में मालूम हुआ है गाने गिनने से भी बहुत बड़ी हमने परेशानी हो चाहिए घर को, ये रेसिडेंशियल एरिया, इससे हमना अब जो आप जो ऑब्जेक्शन डाली, ये ऑब्जेक्शन क्या भी गलत नहीं है, सही ऑब्जेक्शन डाली आप, इसे वो भी हमें एहतियात इंशाल्लाह कर लेंगे, गलाटा होने नहीं देते, गाने हमें नहीं चलाते यहाँ, और जो भी बेअदबी हो रही है उसे पूरी पूरी हमें रोकने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। सर बता रहे थे कि यही साल आखिरी होगा या पिछले आने वाले जो भी दिनों में जो है यहाँ पर वापस आप करने का क्या सोचे? सर वो लास्ट टाइम अब कल न्यूज़ में हमारे कॉर्पोरेटर यहाँ के कॉर्पोरेटर जिम्मेदार पंडू भी क्या बोले, बहुत अच्छी बात बोले उन्होंने, कि क्या है कहते यहाँ कम से कम 3-4 हज़ार आदमियों का मजमा जमता है, उसमें से 300-400 बच्चे थे भी इम्प्रूव हो गए, तो ये जो गैर ये जो शौखा ये गांजे का ये जो सोलेशन मार ले को इनकी लाइफ ख़राब कर ले रही, उसमें सुधर गए तो इसमें होम का भला होता ना कर को उनकी एक बात, वो भी बहुत अच्छी बात, और इसमें क्या है कहता हूँ मैं उधर खिलाई जाइए कुश्तियाँ, उधर आदमियाँ नहीं जमते, ये हमारा मोहल्ला हमारा स्पोर्ट्स है, हमारे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर हमें स्पोर्ट्स खिलाड़ी सुई है, इसके वास्ते यहाँ करे तो बेहतर होता है इंशाल्लाह, ये साल यहाँ का हो जाते सर, नेक्स्ट बार हमें क्या भी कर रहे तो ज़िम्मेदार हैं हमारे कलीम भी, इनको बात कर को मशवरा कर को इससे सामने हमें क्या करना है इंशाल्लाह करेंगे सर।
एमएफ क्लीम साहब, जिस तरह आप पिछली मरतबा आपने अपना स्टेटमेंट दिया, आप अपनी जो भी बातें थी वो जाहिर की, तो उसके बाद जो है उनकी तरफ से भी जो है मिला जो स्पोर्ट्स है कमेटी है, जो वेलफेयर काउंसिल है, उनकी तरफ से भी जो है एक स्टेटमेंट आता है, उसके होने के बाद जो है आप खुद उस मिलाद स्पोर्ट्स के सदर साहब से मिलकर क्या बात हुई, आप कहाँ तक पहुँचे, आप कितने मुतमईन हैं इसको लेकर? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। जैसे बाबू भी बता रहे थे, सदर हैं मिलाद कमेटी के, वेलफेयर कमेटी के, और हमारी बातचीत जो है 15 दिन पहले हुई थी इस सिलसिले से। जब बाबू भी ये कहे थे तो खुद बताए थे दो प्लेग्राउंड को जो है परमिशन के लिए कर दे ले चुके, लेकिन कहाँ पर आता मालूम नहीं था। तो उस तरफ साफ जाहिर बताए थे कि यहाँ पे रेसिडेंट्स का जो है बहुत बड़ा नाराज़गी जता कर भी हैं, पिछली बार भी इस मरतबे भी आने के चांसेस है बाबू का। तो बाबू भी की मेहनत जो है उस तरफ बहुत सारा ज़्यादातर थी वो। अभी परसों हाल ही में क्या हुआ, जैसे बता रहे थे, जैसे इश्तिहार में लग गया तो हमें लगा कहीं यहीं पर करने का इरादा है, क्योंकि कोई ज़िम्मेदार आकर बात भी नहीं करे। तो यहाँ वाले जो रेसिडेंट्स जो है जो पहले से नाराज़गी जता रहे थे, तो आकर जो बात करने के बाद हम लोग बैठ कर जो है ये करें। अभी क्या है, तो जो ग्राउंड को लेकर जो कर रहे हैं ये लोग, भी परमिशन लेकर हैं, क्योंकि बाबूदा क्योंकि आज सदर हैं, उनकी पूरी मेहनत है, बरसों से मेहनत है, और ख़ासकर हम लोग भी जो है 20-22 साल से भी खुद अच्छा अच्छी तरीके से जानते हैं बाबू भी, हम दोनों का भी एक अच्छे ताल्लुकात हैं। तो अब रहा कुश्ती का मसला जो है, पिछली बार से भी जो है मतलब बहुत सारे कोताहियाँ भी हो करें, पिछले 2-3 साल ने तो नहीं खेले, उससे पहले जो खेलते थे बहुत कोताहियाँ हो करें, जैसे मट्ठी लगाकर डालते हैं 30-40 लोड कम से कम पड़ती है, इससे बड़ा लाइक हाइट था उससे पहले। तो होने के बाद जो है जाने के बाद कोई नहीं उठाते थे, जो बच्चों के खेलने के लिए बड़ी तकलीफ़ होती थी, या फुटबॉल खेलो उतना जगह छोड़ना पड़ता था, या क्रिकेट खेलो, सब लोगों के लिए रुकावट था वहाँ पर। और कभी बरसात आ जाता तो पानी जो है अतराफ खुल जाता था, उसकी वजह से जो है बहुत चिक्कड़ वगैरह हो जाती थी, तो बच्चों को बहुत इन्हें अनकन्वीन्स होता था। तो ये सब चीज़ें रख कर जो है हम लोग यहाँ पर नहीं खिलाने का, तो बहुत सारी मेहनतें हुई, कमिश्नर साहब से बात करें, सब चीज़ हुआ, आपके सामने से बात हुई है। अभी कल क्या होगा, जो ये लोग जो है यहाँ के हमारे कारपोरेटर साहब, पंडू साहब हो, मुझो हो, मुदस्सिर अली खान हो, हमारे मीना बाज़ार के इलियास भी आकर बताए, अच्छी बात क्या है, माशाल्लाह कोई नाराज़गी नहीं है, कोई ये भी नहीं है, आपसी दुश्मनी भी तो नहीं, सब लोग तो बहुत ज़माने से जानते हैं हम लोगों को। अब रहा बात, अब नाराज़गी इसलिए हो रही थी कि हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन स्क्रीन लगा कर रहे बोलता, खामोश रह गए हम लोग भी। चलो सदर साहब भी कल कोशिश करें बात करने की, मैं आउट स्टेशन था तो आज मुलाकात हुई हम लोगों की, तो ऑलमोस्ट पूरा जो है कवर अप हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, जिस तरीके से नहीं होना था पहले जो कर रहे थे, बहुत सारी जो एहतियात होकर है, उम्मीद कर देंगे अब तक जो कल तक जो उनका प्रोग्राम होने के बाद यही एहतियात करके जो है इसी तरीके से जाएंगे, बल्कि उम्मीद है इंशाल्लाह। सर, क्या आप इससे मुतमईन हैं, जो भी इंतजामिया करके रहे, जो पिछले मरतबा आपने बताए थे पोस्टर्स को लेकर, जो खुसूसन जो पहलवान होते हैं उनके पोस्टर को लेकर, और यहाँ पर जो स्क्रीन नहीं डाली थी उसको लेकर, अब जहाँ पर सब कुछ जो है पूरा बंदोबस्त के साथ किए हैं, उससे आप पूरी तरह मुतमईन हैं? देखो, मिलाद वेलफेयर कमेटी से मतलब जितने भी स्पोर्ट्स खिला रहे हैं, हमारी सिर्फ नाराज़गी कुश्ती से थी, अब ये लोग खिला रहे हैं तो एक नौजवान तबका जो है एक मोटिवेट होकर आ रहा है, बोलिए बहुत खुशी है। अब हो रहा क्या, इस स्टेडियम में जो है बरसों से भी जो है अब सोल्यूशन, जैसे पंडू साहब बता रहे थे यहाँ सोल्यूशन मास्टर चलते हैं, ये सब चलते हैं, लेकिन रोकने का भी मकसद उनका ही उन्हीं का होता है। अब इसे सारा वक्त छोड़कर जो है कभी एक साल में एक बार होता है, मतलब इसे मोटिवेट होना कोई कम्युनिटी के कोई एक रात के दिन एक दिन के अंदर हो ना कोई मोटिवेट कोई बात, लेकिन सरासर इसकी मेहनत करेंगे, अगर उसे लाइट लगाएंगे, उसके गेट को गेट लगाएंगे, गेट भी सब टूटा हुआ है, अब गेट नहीं रहने की वजह से पूरे लोग जो है शाम में आते हैं। अभी कुश्ती से एक नुकसान भी क्या हो रहा था बोले तो, जो लोग नहीं जानते यहाँ पर स्टेडियम है, लोग देख रहे हैं तो इनको भी एक मौका मिल जाता है कि अगली बार आकर यहाँ पर टाइम पास करें, शाम में जो है 7 बजे के बाद कोई ज़रूरत नहीं होता, 7 बजे के बाद जो है क्राउड मामूली जो क्राउड रहता है 12-12 बजे तक भी रहता है। इस सिलसिले से मुदस्सिर को मालूम है, इससे पहले भी जो है हमें जब नाराज़गी दिखाते तो मेरे कार को तकरीबन बहुए 3-4 बार ग्लास फोड़ के हैं मेरे कार के, बहुत बड़ा नुकसान भी कर को हैं। तो यहाँ जाहिर सी बात है कि कुछ हमें जब जो रिवर्स होते हैं, मतलब उनकी जो शिकायत करते हैं, तो जो शिकायत पसंद नहीं है उनको, ये चीज़ें हरकतें की हैं। अब जो है बहुत बड़ा मसला क्या है, जो सोल्यूशन मास्टर हो रहे हैं बच्चे, हमारे बच्चे, हमारी कम्युनिटीज़ तो ख़राब हो रही है, तो इसके लिए क्या सिलसिला है, क्या हो रहा है? अब इसका गेट की पाबंदी करना, इसकी सफाई होना, या लाइट वगैरह डालना, ये सब करना, ये तो क्या है, कम्युनिटी जो है एक अच्छे से में आती है, अतराफ़ की जितने भी हैं
ग्राउंड से है, यही हालत है। जब दारुसलाम से पीछे लो और एक मस्जिद के पास क्या भी लो, और यहाँ तक कि शाम का वक्त 7-8 बजे कोई लड़की या लड़का भी जो है अकेला जाना डर लगता है, क्योंकि उसको छीन कर जो है उसके पास मोबाइल छीना ले रहे हैं, कोई पैसा छीना ले रहे हैं, और रात का वक्त था, कोई नहीं जाते ना, तो ये सब चीज़ें जो है होने की वजह से जो है पैनिक है लोग। अब ये चीज़ों से भी पैनिक इसलिए हो रहा था कि अब होने के बाद भी जो है इसी तरह से एक सिलसिला जारी रहता बोल के। अब तो उम्मीद तो दिलाए हैं इंशाल्लाह बाबू भाई, आइंदा भी इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जैसे बॉडीगार्ड का ये देख रहे हैं वहीं पे कोशिश करने की कोशिश किया तो अच्छा है, और अखाड़ा तो है ही एग्जीबिशन के पास, वहाँ का भी सिलसिला किए तो भी अच्छा है। और देखो और एक बड़ी बात क्या है, जैसे आप परसों बॉडी शो दिखाए, अब बॉडी शो कहाँ दिखाए, इंटीरियर दिखाए उन्होंने एम पे स्टेडियम में, ये बहुत अच्छा, हमने भी अच्छा लगा, क्योंकि नौजवानों को एक कुछ ना कुछ मोटिवेट होना है, चलो अपनी बॉडी के ऊपर मेहनत कर रहा है अपनी कोई जैसे सोल्यूशन करके जो अपनी बॉडी को अपनी हेल्थ ख़राब कर रहा है ये चीज़ों से मोटिवेट हो रहा ना बच्चे, ये तो खुशी की बात है। क्रिकेट खिला रहे हैं, डे नेट भी खिला रहे हैं, चलो अच्छी बात है, कहीं ना कहीं बच्चे मोटिवेट हो रहे हैं। लेकिन सिलसिला जो है जिम्मेदार लोग भी लेकर करेंगे ये सब चीज़ों से कहे तो जो है मैं समझता हूँ कम्युनिटी जो है बहुत अच्छी इसमें आ जाएगी बहुत कम वक्त में, बल्कि मुझे लगता है। कुछ दिनों से हमें सुनने में आ रहा था कि आपके ऊपर एक इल्ज़ाम है कि आप किसी से पैसे मांग रहे हैं, ये पैसे देंगे तो जो है हम परमिशन देंगे, ऐसा कुछ सुनने में आ रहा था, इसका इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अब ये तो बाबूदा ही बताएंगे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि पूरी कम्युनिटी इनके पास है। अब ये कोई बताए तो मैं बता सकता हूँ कि क्या पैसा मांगे, मैं अभी बात सुन रहा हूँ आपके पास, वो शौक भी हो रहा है। अब किससे बात किए हमें बाहर आके सामने ये किया तो बहुत अच्छी बात है, ये कौन किसके पास पूछा हमें, ये क्या है, ये कैसा इल्ज़ाम है, ये बाबूदा ये क्लियर किया तो अच्छा है मुझे। ये एक चाय के रवादार नहीं कलीम भी, ये पैसे की तो दूर दूर तक काम भी इसकी जिक्रिश नहीं है, और वो पैसे मांग रही करके बोले तो कलीम भाई के ऊपर एक गलत बात। कलीम भी हमारे पास एक चाय के रवादार नहीं, कलीम भाई के चाय बिस्किट के रवादार हमें बन गए, लेकिन हमारे रवादार कलीम भी नहीं। तो ये सरासर गलत इंसान नहीं, वो कहाँ कौन की दूसरा कौन अखवा ये उठेंगे वो तो मालूम नहीं, लेकिन हमारी कमेटी से कौन भी बोल को नहीं है। बोलना आसान है भाई, ये करना बहुत मुश्किल है। मेरी जबान मेरे मुँह में जबान है, आपकी मुँह में जबान है, किस तरह चाहे बोल सकते हैं, मगर जब अमल के मैदान में आए तो सब पीछे हट जाएंगे। यही हो रहा है हमारी आज मिलत। मेरा कहने का मतलब क्या है कि आज इस तासुब भरी भारत के अंदर, तासुब भरा हिंदुस्तान है, आज दर्जा मुजफ्फरनगर का वाक़या कल ही देखिए, परसों ही देखिए, देखिए अब जो बता रहे हैं कि हमारी मिल्लत को आगे हम बढ़ाना है, बल्कि बल्किस बानो का जो रेप केस है प्रोटेस्ट हुआ तो कितने मर्द हजार और कितनी औरतें जमा थी वहाँ पे, हर स्टेटस में हर ग्रुप में तो मैसेज था कि उस बल्किस बानो के हक़ के लिए एक स्ट्राइक हो रहा है, आप सब आइए। बताइए सिर्फ 3 औरतें थी वहाँ पे, और मर्द हजरत कितने, 5 मर्द हजरत थे मुसलमानों के लिए, किसके कौम की बच्ची थी वो? अगर आपकी बच्ची के साथ ऐसा होता है, कोई और मुसलमान की बच्ची के साथ ऐसा मिस्र के अंदर होता तो हम खामोश बैठते। इन चीज़ों से हमें परे हट के बेकार के बातों लेके ऐसा हुआ उन्हें वैसा था ये औरत ऐसा बोल, इस बातों पर तवज्जो देने से बेहतर है कि कौम की फला बहबूदी के लिए आगे बढ़े, बच्चे जो बिगड़ रहे हैं सोल्यूशन के एडिक्शन होके उनकी इसलाह करें, इस कॉलेजेस के अंदर जाकर एक हमारा डर बिठाएं कि हम मिल्लत के बच्चों की हिफाजत की मुहाफिजत करने वाले मर्द और हजरात नहीं बल्कि खवातीन ही बल्कि। देखिए मेरा काम सुबह में मैं नाश्ता कर घर से निकलती हूँ, मेरा काम हर दिन तहरीक के काम है, यह हर कोई जानता है, मेरा एक मिनट ऐसा नहीं होता जो मैं बेकारी में गुजारती हूँ। मकसद यह नहीं कि मैं अपने कुछ मेरे बारे में बोल रही हूँ, मकसद यह कि मेरी ज़िंदगी का मकसद यही है, क्योंकि अल्लाह खुद फरमाते हैं ईद कुलब सिलमे काफा, और मेरा ज़िंदगी का मकसद यह नहीं कि जैसे अल्लाह ताला कुरान में सूरह मोमिन में फरमा रहा है कि हमने तुझे ऐसा निकम्मा पैदा नहीं किया, किस लिहाज से पैदा किया अल्लाह सुब्हान ताला ने, कि अल्लाह ताला की बंदगी के साथ साथ उसके बंदों की खिदमत करो, ये मेरी ज़िंदगी का मकसद है, ये आप सबकी ज़िंदगी का मकसद है, इसको लाए आएंगे ये खेल के मामले में लेको इसको बहुत बड़ा इश्यू बनाना है, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए ये हवा किसको लगा रहे हैं हम, कि तू तुम्हें बोल के हवा किसको लगा रहे हैं, पहले ही बजेंगे RSS वो हमको 90% हमको मुंह डालेंगे। देख रहे हैं हर जगह क्या हो रहा है, बीजेपी के लहरे ये करें, हर जगह फसाद बरपा है, मुसलमानों को कुचले जा रहे हैं। NRC के तो आप लोगों को पता नहीं कि NRC के दिन NRC का हुआ फिर कोविड का हुआ तो तकरीबन मेरा सर्वे था 11 विलेजेस के अंदर, वहाँ पे मुसलमानों की हालत इतनी अबतर थी कि क्या बताऊँ वहाँ की हालत।
तीन तीन दिन चार चार दिन फाके काटेंगे। ऐसी जगह सर्वे कीजिए।